राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी के मोबाइल फोन निगलने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह कैदी ने अधिकारियों से छिपाने के लिए मोबाइल फोन ही निकल लिया, बाद में एंडोस्कोपी से निकाला गया। यह मामला 4 जनवरी का है। कैदी के ऐसा करने का खुलासा तब हुआ जब उसने पेट में असहनीय दर्द की शिकायत की। एक्सरे रिपोर्ट में उसके पेट में मोबाइल फोन होने की पुष्टि हुई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल में चेकिंग हुई थी। इस दौरान एक कैदी ने मोबाइल छिपाने के लिए मोबाइल फोन को ही निकल लिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद कैदी ने पेट दर्द की शिकायत की। सामान्य दवाओं से ठीक न होने पर कैदी को इलाज के लिए दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक्सरे में उसके पेट में मोबाइल फोन होने का पता चला। जीबी पंत अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि बाह्य पदार्थ खाने वाले मरीज को 15 जनवरी को अस्पताल ले आया गया था। उसके पेट का एक्सरे कराया गया तो उसमें पता चला कि पेट में मोबाइल फोन है। एंडोस्कोपी में लगे कैमरे के जरिए उन्होंने फोन की जगह को देख लिया और फिर एक अलग से पाइप लगाकर फोन को धीरे धीरे खींचते हुए बाहर निकाल लिया। कीपैड वाला यह फोन 7 मीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा था। पूरी प्रक्रिया को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर मनीष तोमर के नेतृत्व में जीबी पंत अस्पताल की टीम ने अंजाम दिया है। डॉक्टर सिद्धार्थ के मुताबिक मोबाइल फोन को निगलना मुश्किल होता है। आमतौर पर जेल के कैदी इसे अधिकारी से छिपाने के लिए ऐसा कर देते हैं। इसे केवल वही लोग निगल सकते हैं जिन्हें ऐसे करने की आदत हो। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है और बड़े बैग को बाहर निकालने की एक कौशल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने आगे बताया कि वह अस्पताल में अब तक ऐसे 10 मामलों को हैंडल कर चुके हैं। जिस कैदी ने जांच अधिकारियों के डर से मोबाइल फोन को निगल लिया था उसका नाम संतोष है और उसकी उम्र 24 साल है। तिहाड़ जेल के प्रशासन के अनुसार कैदी का स्वास्थ्य अब पूरी तरह से ठीक है। इस घटना के सामने आने के बाद जेलों में अवैध तरीके से मोबाइल पहुंचाने का एक और खुलासा हुआ है। बहरहाल मोबाइल फोन के जेल में पहुंचने की जांच अभी भी जारी है।